हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में मैं दे ही रखा है, अकबर किसी काम को 12 डेज में फिनिश करता है, जबकि एंथनी उसी काम को करने के लिए 20 डेज लेता है। दोनों कैल्शियम हो जाएगा 60। अकबर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क इज 60 और अकबर को कितने डेज लग रहे हैं काम को फिनिश करने में? 12 डेज। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अकबर की? 5। 20 60 को कट करेगा 3 पे, तो एंथनी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अकबर की एफिशिएंसी 5 एंड एंथनी की 3। आगे क्वेश्चन में बोला गया वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एंथनी काम को स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट डे काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है? एंथनी। और एंथनी कितनी यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम। सेकेंड डे काम कौन करेगा? अकबर, जो कि 5 यूनिट काम करता है। इस तरह से 2 दिन में कितनी यूनिट काम हो पा रहा है? 8 यूनिट काम। अब हमें इस 8 यूनिट से टोटल वर्क के करीब पहुंचना होता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। या तो हमें इसके इक्वल पहुंचना है या इससे थोड़ा कम, तो हम इसको करेंगे 7 से, तो यहाँ पे ही हो जाएगा 56। यहाँ पर भी 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14 डेज। तो 14 डेज में 56 यूनिट काम खत्म हो पा रहा है। अब अगर एक दिन काम और करवाते हैं तो कितनी यूनिट काम होगा? 3। तो 15 डेज में 59 यूनिट काम हो जाएगा। 4। तो हमसे पूछा गया है कितने दिन में वो सारा काम खत्म हो पाएगा, तो 15 डेज में 59 यूनिट काम खत्म हो पा रहा है। तो 15 डेज, 60 टोटल वर्क है, 59 यूनिट वर्क फिनिश हो चुका है, तो कितना बचा है? 1 यूनिट। अब एंथनी इस दिन काम करने आ चुका है, अगर एक दिन काम और करवाया जाएगा तो कौन काम करने आएगा? अकबर, जो कि कितनी यूनिट काम करेगा? 5। तो इतने दिनों में हमारा जो काम है वो फिनिश होगा।